कार्टून में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। विठल पडारे वर्ष 40 कार्टून निवासी और उनकी पत्नी कविता विठल पडारे वर्ष 37 स्थानीय निवासी है। ये घटना रात 11:45 की है। आरोपी सूरज चौरसिया रात को शराब पीकर घर आया। सूरज घर पर जोर जोर से चिल्लाने लगा और कविता को गाली देने लगा। कविता ने पूछा क्या बात है, तो सूरज ने कविता के पीछे पीछे आ रहा था। कविता ने कहा कि मेरा आरोपी से कोई संबंध नहीं है, तो भी आरोपी सूरज मेरे पीछे पीछे आ रहा था। कविता ने अपने पुत्रों को अपने पिताजी को लाने के लिए कहा। तो विठल पटाड़े को घटना का पता चला तो गाड़ी निकालकर घर आए। घर आने के बाद सूरज ने विठल कच्ची पकड़ी और चाकू मार दिया। कविता ने घटना पे अपने पति को बचाने के लिए हाथ खींचा तो आरोपी ने पेट पर चाकू मार दिया। विठल पटाड़े को काटोल के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था। कविता अपने पति विठल पटाड़े को देखने गए थे तो आरोपी सूरज ने फिल्मी स्टाइल में कहा कि एक एक को बचा कर रखना वरना मैं मार दूंगा। सूरज काटोल के पुलिस हिरासत में है। विठल पटाड़े को शाम 4 बजे मेवा अस्पताल में उपचार किया गया जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ गिरी झुनके की रिपोर्ट, जे इंडिया न्यूज के लिए। वो तो पहली बार उसने एक बार और झगड़े किया था हमारे साथ, उसने और डॉक्टर झगड़ा किया तो अंदर वो दारू पी के आया। दारू पी के आता है तो आपको दिन दारू पी के मारा ऐसा वर्ग से बस्ती के लोगों ने कुछ किया नहीं क्या? नहीं ये और जिस समय लगा कि आपको वो मार रहा है करके तो बचाने वगैरह के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और इसके पहले भी कुछ झगड़े वगैरह कुछ था क्या? नहीं, मेरे को दारू क्यों मार रहा था क्यों ना होता बस उन्हें जरा रोकला वगैरह नहीं था। रोकला तेरे तो मन तो मारना मत रोकला भी दे दे तुम मस्ती को लाल मंग गत्ती पकड़ लेते हैं तुमच्या भवन वगैरह जला वगैरह कुछ नहीं का पुलिस नहीं का पकड़ा गया।